क्योंकि मेरा अभी रिसर्च चल रहा है देश की लगभग 15 भाषाओं में 1000 सालों से जो लिखा जा रहा है उस पर 2 साल से मैं रिसर्च कर रहा हूँ। इससे पहले भारतीय कविता आंदोलन का इतिहास 300 साल का वो राष्ट्रमंडल में छापा था। साहित्य अकादमी ने हिंदी दलित साहित्य में छापा था। साथियों, ये जो कवि साहित्य का जो विशेषांक जो बातचीत है, मैं राजेंद्र यादव जी से थोड़ा कहने की बात को थोड़ा सा, बच्चे कहते हैं वगैरह उनको ध्यान में लाना जरूर, कुछ जानते हैं कुछ थोड़ा नहीं जानते, कुछ भूल गए होंगे। राजेंद्र यादव जी से पहले मैंने जो स्टडी किया इलस्ट्रेटेड वीकली का एक अंक था, उसमें मराठी लोगों की या अंग्रेजी में कुछ कविताएँ और कहानियाँ वगैरह आई हैं, लेकिन मराठी पर ही उन्होंने छापा। उसके बाद आ जाइए धरेगुल में हिंदी में भी कुछ रचनाएँ छपी, और धरेगुल का मैंने एक 16 पेज का एक कवर स्टोरी बम्बई बैंक में लिखी, दलित राजनीति और समाज। गणेश मंत्री संपादक थे और उन्होंने कहा कि नहीं कराया कि आप ये काम करें। उसके बाद सारिका आप जानते हैं, कमलेश्वर जी ने तुरंत निकाली, डॉक्टर महेश सिंह जी ने संकेतन मैगजीन निकाली, डॉक्टर एन सिंह हमारे बहुत उत्तम आलोचक हैं, उन्होंने ये निकाला। फिर रविका गुप्ता जी हमारे बैठी, रविका गुप्ता जी को कौन नहीं जानता, उन्होंने विशेष रैंक छापा, और पश्चिम की एक मैगजीन है उन्होंने इस पर छापा। उत्तर प्रदेश की पत्रिका है, कुबेर विद्यालय जी बैठे हैं संपादक, बहुत बड़ी मैगजीन निकाली उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश सरकार की उत्तर प्रदेश ही नाम से पत्रिका करीब 300 पेज की उत्तर साहित्य में छपी। फिर जयप्रकाश कदम जी ने एक पत्रिका का विमोचन किया, सॉरी जिम्मेदारी निभाई, और एक जनवादी पत्रिका है और मैं नाम भूल रहा हूँ, मेरे ही पश्चिम बिहार से छपी, बहुत अच्छा निकाला है जनवादी लोगों ने। और कल के लिए एक मैगजीन निकली, फिर सामाजिक न्याय संदेश साथियों, मैंने टाइटल लिया सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के तहत, वो दिसंबर 2000 से शुरू हुई, और बयान मेरी जो पत्रिका उसके बाद काम आगे बढ़ा। साथियों, भारत में जो सामाजिक न्याय की हम बात करते हैं, और भगवान बुद्ध जो जिनसे हम ऐसा मानते हैं कि उन्होंने उद्बोध किया, उनसे पहले कुछ लोग हालांकि आचार उठाते हैं कि क्या भगवान बुद्ध से पहले भारतीय समाज में कोई न्याय था, इसलिए कुछ ऐतराज उठाते हैं। मैं कहता हूँ नहीं था, लेकिन भगवान बुद्ध से पहले अगर हम सिंधु घाटी की सभ्यता में जाएं तो वहाँ कुछ सामाजिक न्याय के चिन्ह हमें मिल सकते हैं, कुछ सामाजिक न्याय था। लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद और भगवान बुद्ध के उद्भव होने से पहले कोई सामाजिक न्याय भारत में नहीं था। मैं भगवान बुद्ध की इसलिए साथियों ये कह रहा हूँ कि मैं पीछे दार्जिलिंग गया था, और कलकत्ता से अगर आगे जाएं आप दार्जिलिंग की तरफ, सिलीगुड़ी की तरफ जाएं, तो भगवान बुद्ध का एक नया दृष्टिकोण मिलता है, और ये बौद्ध धर्म का एक नई शैली मिलती है, तो हमारे उत्तरी भारत से अलग भी। अभी कानपुर में केनासी से बातचीत हुई, भगवान बुद्ध की जो मैंने घर छोड़ना, पत्नी से विछोड़ होना, राजकुमार से साधु बनना, ये सारी चीजें आप चाहे तो सिलीगुड़ी के ऊपर दार्जिलिंग में बहुत मूर्तियां बनी हुई है, और उसको अगर देखें आप, मैं जान बूझ के लेकिन इसलिए कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति जो जिसकी अपनी पत्नी है बच्चे हैं, उसको घर छोड़ने के दौरान कैसी छटपटा होती होगी, आप समझे, वो सारी उस पर डिपेंड है। मैं संक्षेप में बताना चाह रहा हूँ कि वो उससे पता चलता है कि एक व्यक्ति जो पूरा सब कुछ छोड़ दिया लेकिन उसके भीतर कैसी छटपटा हो रही है, तो हम नहीं छोड़ सकते, आदमी एक छोटी सी अपनी आदत को नहीं छोड़ सकता। तो ये साथियों भगवान बुद्ध जी का हम सबको सुझाव होना चाहिए, उन्होंने कितने उसके बाद ये छोड़ा। साथियों, उनके बाद इतिहास बना और राजनीति आई,
और राजनीति से आंदोलन हुआ और आंदोलन से कवि साहित्य का जन्म हुआ। साथियों मेरे पास पर एक मराठी कवियत्री है संध्या रंगारी की किताब आई, उसका टाइटल था वातहार इची नव्य, मान के उद्भस्त जो हमारी जीवन कथाएं हैं हिंदी में कहें। मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ कि अभी जो साहित्य लिखा जा रहा था उसमें मुख्य रूप से जैसे कुछ शब्द होते हैं, शब्दावली होते हैं, आप समझ लीजिए जैसे आधार एक शब्द होता है, मुक्ति, इतिहास, अधिकार, कृतिका, इन शब्दों के ही आसपास जो है ना साहित्य की रचना होती है। मैं इस पर बात करते हुए ये बताना चाहता हूँ कि जो दलित साथी है वो तमाम लोग आधार सहन करते हैं, वो आधार सहन करने के बाद ही कुछ लिखते हैं, लेकिन मैं उनको भी ये बात बताना चाहता हूँ कि क्या वो अपने व्यवहार से उनको आधार पर नहीं पहुँच सकते। जो दलित साहित्यकार हैं विशेषकर रूप से जो उनको आघात लग रहा है, तो आघात से एक प्रतिक्रिया हो रही है, क्रिया हो रही है, साहित्य लिखा जा रहा है, तो क्या वो अपने व्यवहार से किसी को आघात तो नहीं पहुंचाने, हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। जैसे मुक्ति है, हम सब मुक्ति चाह रहे हैं, लेकिन अधिकांश देखा में यहाँ के लोग अपने आस पास वो एक चार पुरुषों की खोज करते चले जाते हैं, आप समझ लें ना मेरी बात, चाहे वो साहित्यकार है, चाहे वो नेता है, चाहे अभिनेता है, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता है, हमारे नेताजी बात सबको भी जानते हैं। तो ये हमको ये दो तीन बातें हैं, मैं उसके बाद ये बात करूँगा, ये एक चुनौती के रूप में मैं बताना चाह रहा हूँ। इतिहास है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हर आदमी अब आजकल तो इतिहास पढ़ने लगे, वो कथाकार है, जो वो सारी चीजें पढ़ते हैं, क्या साथी लोग अपने घर में, अपनी बस्ती में, अपने शहर में बनते हुए इतिहास को गंभीरता पूर्वक देख रहे हैं, क्या हमारे साथी उन्हीं के इतिहास में इतिहास पुरुष है, उन्हीं के घर में इतिहास पुरुष है, बस्ती में है, पड़ोस में है, शहर में बस गाँव में है, लेकिन उसको कभी कभी नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं। बात के वो सात बात या पचास सात बात कोई आदमी आता है वो शोध करता है, अरे भाई इस बस्ती के अंदर एक आदमी हुआ था और उसके माने बच्चे को, उसके पड़पोते को, पड़ोसियों को वो आदमी बुला दे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बहुत सारी जगह गया हूँ, घूमा हूँ, देखा हूँ, और उसी के घर में, किसी के घर में अगर बहुत बड़ा लेखक पैदा हुआ, बहुत बड़ा नाम हुआ, तो बच्चे उसको नजरअंदाज कर दें या रिश्तेदार नजरअंदाज करें, तो वो साथी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सामाजिक न्याय की जो एक श्रृंखला है, गलियाँ हैं, वो फिर इसी तरह से आगे बढ़े, वरना सामाजिक न्याय के लिए नारा रहता। अब जैसे अधिकार की हम बात करते हैं, मैंने अपना इंटरमीडिएट में पढ़ा है अधिकार के बारे में, लेकिन अधिकार के बारे में जो उसके साथ कर्तव्य भी जुड़ा हुआ था, कर्तव्य हम अधिकार की मांग करते हैं, लेकिन हम अगर उसको कर्तव्य से जोड़ें तो उसका एक ये हो जाएगा। और इसमें अंतिम बात मैं कृतिकाल की कह रहा हूँ कि ये जो दलित साहित्य का जन्म हुआ ये कृतिकाल के रूप में हुआ, लेकिन कृतिकाल कब था, क्या हमने कोई विकल्प खोजा, क्या दलितों ने कोई प्रेस लगाने का विकल्प खोजा, क्या दलितों ने कोई लाइब्रेरी बड़ी बनाने का विकल्प खोजा, क्या दलितों ने कोई बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी बनाने का विकल्प खोजा। साथ में पूरे देश में आज की डेट में बताना चाह रहा हूँ, औरंगाबाद में मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में भी वो बाबा साहब के सपनों को उस तरह से साकार नहीं किया जा रहा है जिस तरह से होना चाहिए। इसीलिए मैं आज की डेट में ये कह सकता हूँ कि पूरे भारत में कोई यूनिवर्सिटी दलितों के चिंतन को, दर्शन को, साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए है नहीं, साथियों उस पर काम कर रहे हैं। ये तमाम चीजें साथियों हम दलित साहित्य के माध्यम से बताना चाहते हैं, और विशेष रूप में मैं
अंतिम बात ये बताना चाह रहा हूँ कि महिलाएं, जो महिलाओं का बड़ा मध्य है वो अनुपस्थित है हमारी बहस से, हमारी बहस से महिलाओं का बड़ा वर्ग अनुपस्थित है, वो हमारे घर में भी अनुपस्थित है, पड़ोस में भी है, रिश्तेदारी में भी अनुपस्थित है। केवल पढ़े लिखे और तथाकथित साहित्यकार, लेखक, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ताओं के घरों की मैं बात कर रहा हूँ, उनका आधा प्रतिशत भी महिलाएं इससे नहीं जुड़ पा रही हैं। मैं आधा प्रतिशत कह रहा हूँ जो बिल्कुल एक लंबा सच है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हमारी घर में हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारी पत्नी है, उसको हम इसमें शामिल करें। वो शामिल जब तक नहीं हो गए हमारी ताकत वो साथियों बढ़ेगी नहीं। और हमारे जो पात्र हैं साथी, हम जीवन पात्र बनाए, अंतिम में कम जाए हमारी बस्ती के अंदर पात्र हैं। मैं एक किताब का किताब को बताते हुए बात खत्म कर रहा हूँ एक मिनट के अंदर। साथियों हम जो रचनाएं कर रहे हैं, एक रचना के बाद साहित्यकार को पुरस्कार मिल जाता है, उसको उपलब्धि मान लेता है, मैं नहीं मानता उपलब्धि। एक रचना के बाद अगर किसी साहित्यकार को कोई पुरस्कार मिलता है, मैं उसको बिल्कुल भी उपलब्धि नहीं मानता हूँ। इसलिए कि एक रचनाकार को साहित्य को सतत प्रयास करते रहना चाहिए और जो उसके पात्र हैं, जीवन पात्र हैं, उन तक वो पहुँचाने चाहिए अपनी रचनाओं। जो हमारे बीच में बड़ी तादाद में जब दलित साहित्य की हम बात करते हैं, नॉर्मेटिव टाइप आज भी लाखों की संख्या में है, आज भी जो अंधेरियों बदनाम गलियों में जो जिनको हम सेक्स वर्कर बोलते हैं, आज भी लाखों करोड़ की संख्या में है, आज भी जो कंजर जाति जिसको हम बोलते हैं वो लाखों की संख्या में है, क्या हम अपना दृष्टिकोण बदलते हुए उनको संपर्क करते हैं? क्योंकि वो भी दलित, आप इस तरह से देखेंगे करोड़ों लोग भी दलित हैं, इसलिए हमें उन तक पहुंचना चाहिए, अपने साहित्य को पहुंचाना चाहिए, साहित्य की कम मूल्य रखते हुए उन तक हमें जाना चाहिए, तभी सामाजिक न्याय का संदेश का साथियों ये पूरा होगा। और मैं धन्यवाद देता हूँ साथियों को, भाई सुरेश जी पुराने समय से काम कर रहे हैं, अरुण जी मैंने मुझसे तो अभी जुम्मा जुम्मा भाई से मिले हैं, लेकिन धन्यवाद देता हूँ अपने बैठे हुए हैं सारी चीजें साथियों, मैं धन्यवाद देता हूँ इसलिए कि सकारात्मक रूप से साथियों हमारा साथी कोई भी अगर कुछ भी काम कर रहा है तो हमें उसका समर्थन करना चाहिए। वो इस दिशा में जा रहा है, वो इस शहर से अपनी ट्रेनिंग निकाल रहा है, जबकि भारतीय दल प्रोग्राम कर रहा है, इसका कोई मायना नहीं, उद्देश्य यह है कि वो सामाजिक न्याय से जुड़ के साथियों को आगे बढ़ रहा है और साथियों को प्रेरित कर रहा है। तो बिना किसी आलोचना के साथियों हमें उनका धन्यवाद देना चाहिए, यही मुझे आपसे कहना। जय भीम, जय भारत।